students. Hope you all doing well. So in today's lecture, we also continue with number 6, and our today topic is energy transfer in food chains and food web. यानी कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है फूड चेन और फूड वेब के थ्रू जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। अब फूड चेन और फूड वेब में जो एरोज होते हैं वो हमेशा डायरेक्शन शो करते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में मूव करती है। जैसे मेरे सामने यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल है प्लांट, रैबिट और फॉक्स की। तो यहाँ पर जो एरो शो हो रहा है वो शो हो रहा है ग्रीन प्लांट से रैबिट की तरफ, ठीक है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो प्लांट जो है वो रैबिट को एनर्जी देती हैं। इन द सेम वे रैबिट से एनर्जी जा रही है किसके पास, फोक के पास, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर है और फोक सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके, ये एक चीज इम्पोर्टेंट बताती चलो कि ग्रीन प्लांट्स के लिए जो है वो सन सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब प्लांट जो है वो कुछ एनर्जी को पास करता है रैबिट को और रैबिट से बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी जाती है फॉक्स के पास। जो वन रैबिट है वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स यानी कि ग्रास को जो है वो ग्रीन प्लांट्स को ईट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ अ फॉक्स ऑलमोस्ट ईट मोर देन वन रैबिट। इसी तरीके से जो फॉक्स होती है वो भी एक से ज़्यादा रैबिट को ईट करती है। तो अब इस पूरे रिलेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं, हम इसको पायरामिड से जो है वो शो करते हैं। हम बात करते हैं पायरामिड्स ऑफ नंबर की, क्योंकि ये जो रैबिट फॉक्स और प्लांट्स का जो रिलेशनशिप है इसे हम शो करते हैं जैसे पायरामिड ऑफ नंबर्स। पायरामिड्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? पायरामिड्स जो नंबर्स है वो हमें ये शो करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल बार है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। जितनी बड़ी बार होगी उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम पायरामिड को स्टार्ट करें तो हम जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर को एक बॉटम में रखते हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट कंज्यूमर और देन उसके बाद सेकंड कंज्यूमर। जैसे अब यहाँ पर पैरामिड की हम बात करें, सबसे बॉटम में हमारे पास है ग्रास, ग्रास से ऊपर है रैबिट और रैबिट से ऊपर है फॉक्स। अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास 1000 प्लांट्स ग्रास प्लांट है, क्योंकि ग्रास हमारे पास क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि उसके कंपेरिजन रैबिट हमारे पास क्वान्टिटी में कम होते हैं और जो फॉक्स है उससे भी क्वान्टिटी में कम है, ठीक है। तो जो हम इस तरह से एक पैरामिड बनाते हैं इससे हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है और किस तरीके से एट द सेम टाइम हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और लॉस हो रही है। अगर सारी की सारी एनर्जी ग्रास जो है वो रैबिट को पास करे और रैबिट जो है वो फॉक्स को पास कर दे तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज ही नहीं आएगा। बट ये एक इम्पॉसिबल सी कंडीशन है क्योंकि जो ग्रास होते हैं सबसे पहले वो तो सनलाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो उससे अपना खाना पर बनाते हैं और फिर इसकी वजह से वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये जो सन से एनर्जी ले रही हैं प्लांट्स या ग्रास हम कहें, तो ये सिर्फ एनर्जी को ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं करते, दूसरे प्रोसेस के लिए भी यूज़ करते जैसे कि रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन। तो इट इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर मोर देन 10% ऑफ एनर्जी इन द प्लांट्स टू बी पास ऑन टू द हर्बीवर। तो ऑलमोस्ट जब ग्रास से एनर्जी किसी भी कंज्यूमर में जाएगी, यानी कि लेट्स सपोज फर्स्ट कंज्यूमर यानी कि रैबिट को जाती है, तो ऑलमोस्ट उसकी जो रेट होगा 5-10% है, तो 90% जो ग्रास की एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। रैबिट जो कि हर्बीवर है यानी कि वो प्लांट को ईट करता है, वो भी कुछ जब वो ग्रास एनर्जी लेगा तो पूरी की पूरी एनर्जी जो है उसको उसके कुछ पार्ट को यूटिलाइज करेगा, कुछ होगा वो वेस्टफुल वो पॉइंट में चला जाएगा। रैबिट की जो ज़्यादातर एनर्जी है जो कि उसने ग्रास से ली थी उसके जो है इर्द गिर्द में लॉस हो जाएगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कुछ हीट की फॉर्म में, ठीक है। कुछ एनर्जी को रैबिट चलने फिरने के में यूज़ कर देगा, कुछ को अपने दूसरे फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन में जो है वो लॉस कर देगा, ठीक है। इस कुछ जो है वो रिप्रोडक्शन में या एक्सक्रेशन में चली जाएगी।
यहाँ से जो अभी एनर्जी रैबिट से फॉक्स के पास जानी है वो उससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब फॉक्स क्या करेगा, फॉक्स के पास जब रैबिट से एनर्जी आएगी तो ग्रास की एनर्जी काफी समय लेके उसके हाफ से भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि हर लेवल पर ऑलमोस्ट 90% एनर्जी जो है वो लॉस होती है और 10% जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है। यानी कि अगर लेट्स सपोज ग्रास के पास जो एनर्जी है उसका 90% लॉस हो जाएगा, रैबिट को उसका 10% मिलेगा। तो रैबिट के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 90% जो है वो लॉस होगा, 10% जो है वो फॉक्स को मिलेगा। अगर फॉक्स के ऊपर भी कोई हमारे पास थर्ड कंज्यूमर है तो उसको भी उसका 90% लॉस हो जाएगी एनर्जी और सिर्फ 10% मिलेगी। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से चलती रहती है, यही एक रीज़न है कि फूड चेन होती है बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हर लेवल पर जो होती है वो एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है। इसलिए यहाँ तो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ज़्यादातर ही कंज्यूमर होते हैं। इससे ज़्यादा ना होने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि एनर्जी जो है वो लॉस होते होते एंड पॉइंट पर बहुत कम हो जाती है और वो एक कंज्यूमर के सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं होती। इसकी एक रीज़न है कि जो बड़े कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर, जॉगर्स या पोलर बेयर, उन तक वो एनर्जी नहीं जाती थी, नॉट बिकॉज के एनिमल बहुत खतरनाक है, बल्कि इसलिए कि इतनी एनर्जी ही नहीं बचती कि वो जो है वो सुपर कार्निवोर का जा सके, और एनर्जी और जो है इसलिए जो सुपर कार्निवोर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये था हमारा अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और देती चलूँ, वो है पायरामिड बायोमास। पायरामिड बायो का क्या, जैसे पायरामिड ऑफ नंबर्स है, इसमें हम हर स्टेज पर जो है वो नंबर शो करते हैं कि ये ग्रास इतनी थी, फॉक्स इतनी थी, रैबिट इतने थे। पायरामिड बायोमास में बेसिकली होता क्या है, हम वेटिंग यानी कि उसके वेटेज को शो करते हैं कि कितने स्टेज के ऊपर कितना वेट है, ठीक है। द मास ऑफ प्रोड्यूसर इज लार्जर देन द मास ऑफ कंज्यूमर, और ये इसमें जो होता है जैसे कि यहाँ पर ट्री की बात करें तो हम यहाँ पर ट्री के मैस की बात करेंगे, अगर हम कैटरपिलर की बात करें तो हम कैटरपिलर के वेटेज की बात करेंगे, इस तरह से बर्ड या हॉक या स्पैरोज हैं तो हम उनके वेटेज की बात करेंगे, जब उनका वेट कितना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। जैसे कि 100 kg, 50 kg, 10 kg, तो मैस के ऊपर चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में बस इतना ही, अब हमने जो अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो भी साथ करने हैं, तो आपके इस स्टूडेंट से जो आपके पास क्वेश्चन आंसर है उसमें यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आप इसी को जो है वो अपनी नोट कॉपी पे नोट डाउन करना है, साथ ही इसको लर्न करना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक पे जो पेज नंबर 67 और 68 है, इसके जो डायग्राम है पायरामिड बायोमास को, पायरामिड को एक बार अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो लेट मी नाउ सो आई कैन सॉल्व दैट। थैंक यू फॉर टुडे।